अच्छा अब ये नॉर्थ अगर दूर जा रहा है, सेम लूप मैं फिर से लूंगा, सेम बार मैग्नेट, साउथ नॉर्थ। अब अगर ये यहां मूव कर रहा है, नॉर्थ पोल जो है वो लूप से दूर जा रहा है, इसे दूर जाने से रोकने की कोशिश करनी है, ये दूर जा रहा है इसे रोकना है, रोकना रोकेंगे कैसे, अगर अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो। सो अगर यहां से अट्रैक्टिव फोर्स आ रहा है तो वो नॉर्थ पोल को दूर जाने से रोकने की कोशिश कर लेगा और वही अपोजिशन है, तो लूप को इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करना पड़ेगा इस टाइम, यहां पर रिपल करना पड़ा था, यहां अब अट्रैक्ट कर लेगा। और अट्रैक्शन कब होगी वो हमें पता है कि जब ये साइड जो है वो साउथ बिहेव करेगा और अपोजिट साइड जो है वो नॉर्थ बिहेव करेगा। ये साउथ और नॉर्थ जो है, ये साउथ ऑफ द लूप, ये नॉर्थ ऑफ द बार मैग्नेट एक दूसरे के नजदीक है, तो इनके बीच में जो अट्रैक्ट फोर्स होगा वो नॉर्थ पोल को दूर जाने से रोकने की कोशिश कर लेगा। अब अगर ये साइड साउथ बिहेव कर रहा है तो इसका हमने देख लिया, जिस साइड से करंट, जिस जो साइड साउथ बिहेव करेगा उस साइड से जब देखेंगे तो करंट जो है वो क्लॉकवाइज होगी, करंट इंड्यूस्ड इज क्लॉकवाइज। सो सिंपल, आसानी से हम लेंज लॉ यूज करके करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, और रिमेम्बर करंट की डायरेक्शन और ईएमएफ की डायरेक्शन सेम होती है। सो करंट क्लॉकवाइज है तो ईएमएफ भी क्लॉकवाइज है, करंट काउंटर क्लॉकवाइज है तो ईएमएफ भी काउंटर क्लॉकवाइज है। तो यहां पर हमने देखा कि अगर आउटगोइंग नॉर्थ है, देन द साइड फेसिंग द आउटगोइंग नॉर्थ, ये साइड आउटगोइंग नॉर्थ को फेस कर रहा है, देन दिस साइड बिहेव्स लाइक साउथ, साइड फेसिंग द आउटगोइंग नॉर्थ बिहेव्स लाइक साउथ, सो एज टू अपोज द आउटगोइंग नॉर्थ। वही बात जो यहां पर थी, लेकिन ये यहां पर इनकमिंग था, यहां पर अब आउटगोइंग है। अब अगर नॉर्थ पोल को लेते हैं, सेम लूप में ले रहा हूं, बार मैग्नेट लेकिन उल्टा करके, साउथ अब इस साइड से, नॉर्थ अब इस साइड से, और साउथ जो है वो नजदीक आ रहा है, इनकमिंग साउथ है। नाउ गैस कि क्या होगा, अपोज करना है, अपोजिशन अब कैसे होगी, इनकमिंग साउथ को अपोज करना है, साउथ नजदीक आ रहा है उसको नजदीक आने से रोकने की कोशिश करनी है। अब वो कैसे किया जाए, अट्रैक्शन से होगा कि रिपल्शन से होगा। अगर ये साइड नॉर्थ बिहेव करेगा तो नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये जितना तेज आ रहा था अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से उसे ज्यादा जल्दी आएगा, तो दैट वोंट बी अपोजिशन, दैट वुड बी सपोर्ट। लेकिन लेंज लॉ से हमें पता है कि अपोजिशन होनी चाहिए, तो अपोजिशन के लिए रिपल्सिव फोर्स चाहिए, रिपल्सिव फोर्स के लिए ये साइड जो होगा वो नॉर्थ बिहेव करना चाहिए और ऑब्वियसली दूसरा साइड जो होगा वो साउथ बिहेव कर लेगा। अब ये नॉर्थ और साउथ नजदीक है, नॉर्थ ऑफ द लूप साउथ ऑफ द बार मैग्नेट नजदीक है, नहीं 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 वेट 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 गड़बड़ हो गई, रिपल्सिव फोर्स हमें चाहिए, रिपल्सिव फोर्स के लिए ये साइड साउथ बिहेव करना चाहिए, ये साइड नॉर्थ बिहेव करना चाहिए, साउथ और साउथ के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा तो वो इनकमिंग साउथ को आने से रोकने की कोशिश कर लेगा। सो अगर ये साइड अब साउथ बिहेव कर रहा है तो इस साइड से करंट जो होगी वो क्लॉकवाइज होनी चाहिए, आई इंड्यूस्ड क्लॉकवाइज, यहां पर भी क्लॉकवाइज, यहां पर काउंटर क्लॉकवाइज। सो द साइड फेसिंग द इनकमिंग साउथ बिहेव्स लाइक साउथ, और उसी साइड से अगर आप देखेंगे तो करंट जो होगी वो क्लॉकवाइज होगी। साइड
facing the incoming south behaves like south, so as to repel the incoming south. और वही उसी के वजह से फिर अपोजिशन होगी ऑब्वियसली. अब इसका फिर से उल्टा, साउथ नॉर्थ. अब साउथ पोल जो है वो दूर जा रहा है, साउथ पोल को दूर जाने से रोकना है. अब दूर जाने से रोकने के लिए अट्रैक्टिव फोर्स चाहिए. अट्रैक्टिव फोर्स के लिए ये साइड नॉर्थ बिहेव करना चाहिए, ये साइड साउथ बिहेव करना चाहिए, तभी जाके अट्रैक्टिव फोर्स होगा. ये नॉर्थ और साउथ के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा और वो दूर जाने से इसे रोक, ये दूर जा रहा है, ये यहां से खींच रहा है, तो दूर जाने से रोकने की कोशिश कर रहा है. और अगर ये साइड नॉर्थ बिहेव करेगा, इसी साइड से जब आप देखेंगे तो करंट जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज होनी चाहिए. करंट विल बी लाइक दिस, आई इंड्यूस्ड काउंटर क्लॉकवाइज. सो द साइड फेसिंग द आउटगोइंग साउथ, साइड फेसिंग द आउटगोइंग साउथ behaves like north, so as to oppose the outgoing south. वही बात नोट कर लें जो हमने डेमोन्स्ट्रेशन में देखी थी कि नॉर्थ जब नजदीक आ रहा है और साउथ जब नजदीक आ रहा है, नॉर्थ नजदीक आने के टाइम काउंटर क्लॉकवाइज करंट है, साउथ नजदीक आने के टाइम क्लॉकवाइज करंट है, तो ऑपोजिट. नॉर्थ दूर जाने के टाइम क्लॉकवाइज करंट है, साउथ दूर जाने के टाइम काउंटर क्लॉकवाइज करंट है, अगेन अपोजिट. वो आप फिर से देख लें जो हमने इससे पहले देखा था. थोड़ा सा शेक हो गया. ये मैं बाहर ले रहा हूं, चले पहले अंदर का देखते हैं. जब मैं इस मैग्नेट को यहां से अंदर ले रहा हूं, डिफ्लेक्शन जो है वो आप देख रहे हैं लेफ्ट वर्ड है, और बाहर जब ला रहा हूं तो डिफ्लेक्शन राइट वर्ड है. अब मैं दूसरे साइड को लूंगा, अब देख लें कि जब मैं अंदर ले रहा हूं तो डिफ्लेक्शन राइट वर्ड है, जब मैं बाहर ला रहा हूं डिफ्लेक्शन लेफ्ट वर्ड है, तो उल्टा हो रहा है. तो ये बात जो हमने यहां पर लेंस लॉ से सीखी.